जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत इजी पेपर आया है। पेपर बहुत इजी था। इजी था पेपर, सरल आया था पेपर, ना तो इजी था ना हार्ड था। पेपर फर्स्ट क्लास, पेपर बढ़िया हुआ एकदम। हाँ पेपर इजी था, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसका सिलेक्शन, हाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। हिंदी ग्रामर को तो पूरा ही कवर किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी आर स्टोरी ब्लॉग में। जैसा कि SI का फर्स्ट पेपर हिंदी का हो चुका है और हम जानते हैं, रिव्यू लेते हैं कि किस टाइप का पेपर है, कैसा रहा सर? पेपर तो ठीक है बिल्कुल, जैसे जो कुल मिला के कि जो पढ़ने वाला है उसका सिलेक्शन। तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम था? टोटल ये अभी 200 का फर्स्ट पार्ट का। तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए, कुछ एक दो याद हो तो? पेपर यानी पेपर मेरे अंदाजे से बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल, सिंपल है। तो कट ऑफ ये तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट पेपर था, बाकी के लिए मैं नहीं कह सकता, पर मेरी पढ़ाई के अनुसार मेरे लिए सिंपल। तो कितने घंटे पढ़ाई करी थी आपने? घंटे से तो अंदाजा नहीं, वैसे पढ़ाई कर रहे हैं सर। आप एग्जाम आपका आज का? पेपर बढ़िया भाई। क्वेश्चन जो याद हो तो बता सकते हो आप? क्वेश्चन हो ना, इस संधि ज़्यादा आ रही है और तत्सम तद्भव समास आई ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब एवरेज ज़्यादा आई है पेपर में। आपका नाम? संजय। कैसा रहा एग्जाम? पेपर बढ़िया हो एकदम। तो मतलब किस टाइप का, मतलब क्वेश्चन वगैरह है? वाक्य शुद्धिकरण के ज़्यादा थे, ऐसे वगैरह का भी बता रहे हैं था ना, कुछ मीनिंग भी थी इंग्लिश की, हाँ तत्सम तद्भव वाले भी थे, हिंदी का था, टोटल हिंदी के थे। तो मतलब जैसा बता रहे हो आप इजी आया, तो कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाने के चांसेस हैं? हाँ इसके हिसाब से तो 200 नंबर का था ना पेपर। अच्छा, तो फर्स्ट में जानी चाहिए 50-55 के आसपास। कैसा रहा पेपर? पेपर फर्स्ट क्लास, बहुत शानदार। मतलब ईजी लगा या हार्ड लगा? नहीं लेवल का था, मतलब ठीक था। मतलब कट ऑफ क्या, मतलब ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, क्या लगता है आपको? देखो कट ऑफ का अभी तक कोई बता नहीं सकते, अभी तो सेकंड पेपर और बाकी है, कट ऑफ का भी कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं, मगर ये पेपर ठीक था, मतलब ऐसा ज़्यादा टफ भी नहीं था तो ईजी भी नहीं था, एक लेवल का पेपर। तो एक दो क्वेश्चन बता सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आए? किस टाइप के क्वेश्चन? देखो ये तो पूरा हिंदी का था, तो हिंदी में देखो इसमें जो अपनी पारिभाषिक शब्दावली भी थी, मतलब लेवल का था पेपर, इतना कोई टफ भी नहीं था। तो सर आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपका पेपर ठीक रहा? हाँ मेरी मेहनत अकॉर्डिंग पेपर आपका। पेपर बहुत इजी था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग? मेहनत के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था पेपर। तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है इस चक्कर में? हाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि तीन पेपर हैं, तीनों दिन अलग अलग हैं और पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं था आज। और किस टाइप के क्वेश्चन थे, एक दो कुछ याद हो तो बताइए? टाइप वही ग्रामर से, प्रत्येक ग्रामर के क्वेश्चन से, मतलब जो टॉपिक है उनसे 4-5 क्वेश्चन उठाए, हर टॉपिक से उठाए, पूरे ग्रामर को कवर किया है। सर्वेश शर्मा, कहाँ से आए? जयपुर से। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक रहा। कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आए? वैसे हिंदी ग्रामर को तो पूरा ही कवर किया है इसने। अच्छा। जैसे एक दो टॉपिक थे वो टॉपिक के बाहर से भी थे, लेकिन वो पूछते हैं, हर कोई पूछता है नॉर्मली। तो आपने कितने घंटे की पढ़ाई? अंग्रेजी का हिंदी में करने का क्वेश्चन था, ट्रांसलेशन का। तो आपने कितने घंटे की पढ़ाई करी थी? नॉर्मली 2 महीने की पढ़ाई तो थी। तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग आपका प्रयास अच्छा रहा? आपका नाम बताइए। हाँ मेरा नाम मनोज कुलहरी है। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं झुंझुनू से आया हूँ। तो कैसा रहा मतलब पेपर आपको देने के बाद? पेपर बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी फीलिंग आई पेपर देने से, और अच्छा जोश था पेपर देने के लिए, और बहुत बढ़िया पेपर हुआ। तो मतलब इजी लगा आपको या हार्ड लगा? हाँ पेपर इजी था। कर देखो इजी तो ऐसी बात है कि पेपर सबके लिए, पढ़ने वाले के लिए सब इजी होता है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए कोई चीज़ इजी नहीं होती। तो वैसे देखे तो पेपर मतलब एज फॉर अगर जल्दीबाजी करेंगे पेपर में तो गलत होगा, और अगर पेपर को ध्यान से और मनो अपने सही तरीके से अटेम्प्ट किया है तो पेपर इजी था, और समझ के करना था पेपर को, मतलब जल्दीबाजी में पेपर करने वाला नहीं था। हालांकि इजी था लेकिन जल्दीबाजी वाला पेपर नहीं था। तो मतलब आपने जो जिस हिसाब से मेहनत के हिसाब से आपको कंसेप्ट अच्छा लगा? हाँ जी मेरे को बहुत अच्छा लगा पेपर से, और जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत इजी पेपर आया। आपका नाम बताइए? विकास खींची। कहाँ से बता रहे हैं आप? जोधपुर। तो कैसा रहा मतलब एग्जाम का एक्सपीरियंस आज का? ठीक है, अच्छा दिया पेपर, सरल आया था। सरल आया मतलब आपने मेहनत करी थी उस वजह से सरल आया, फिर सरल ही आया पेपर? नहीं मेहनत की उससे संबंधित आया था। अच्छा, तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए, एक दो कुछ याद हो तो बताइए? विलोम शब्द क्या आए थे, पते और उपसर्ग कौन सा है, अलंकारिक में इसमें मतलब अच्छा लगा आपको है ना? अच्छा। अब सेकंड पेपर की तैयारी है? जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। आप कहाँ से आए पेपर देने? हनुमानगढ़। तो कैसा रहा मतलब एक्सपीरियंस, अच्छा लगा या फिर? अच्छा था पेपर। तो ईजी लगा हार्ड लगा? ईजी था। तो किस टाइप के क्वेश्चन आए कुछ याद है? कुछ इजी था कुछ हार्ड था। तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी आपके अनुभव के आधार पर? ज़्यादा। रतन लाल मीणा जयपुर से। एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ठीक रहा सर, पेपर ना तो इजी था ना हार्ड था, मीडियम क्लास का। मतलब जिसने मेहनत करी उसके लिए इजी है, जिसने नहीं करी उसके लिए हार्ड है। बिल्कुल सही है सर। तो फिर मतलब कट ऑफ कम जा सकती है या सब?
कट ऑफ 70 के लगभग। तो दोस्तों स्टूडेंट के रिव्यू से हमें पता लगता है कि पेपर इजी है, और स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो जिसने मेहनत करी उसके लिए तो इजी है, लेकिन कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा भी जा सकती है। तो हम अब सेकंड पेपर होगा तो उसका इंतज़ार करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।